इसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो वो भी बताएंगे कि आपको ये मॉडल लेना चाहिए नहीं। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए। तो देखिए, ये जो है इसकी चाबी है, ठीक है। एक ऐसी चाबी मिलती है, एक नॉर्मल चाबी, ये रिमोट वाली चाबी। तो ये इसकी की है, आप देख सकते हैं। हम इसको लॉक अनलॉक यहीं से कर सकते हैं। लॉक करने में कोई पों पों का आवाज़ नहीं आता है, लेकिन जब दरवाज़ा खुला रहता है, गेट कोई भी, तब ज़रूर आवाज़ आता है अगर लॉक करेंगे तो। तो इसमें उल्टा है, हुंडई में ऐसा है कि दो बार आवाज़ आती है, अगर आवाज़ नहीं आती, अगर कोई गेट खुला रहता है तो आवाज़ ही नहीं आती। इसमें उल्टा है, जैसे ये गेट खुला है और लॉक करेंगे तो आवाज़ आती है कि भाई गेट खुला है, बंद करो, ऐसा करके। तो जब इसे क्लोज़ कर देते हैं तब कोई आवाज़ नहीं आती। तो ये इसमें फीचर मिलता है। अब देखिए गाड़ी, यहाँ फ्रंट से देखते हैं तो इसमें आपको फॉग लैंप सबसे पहले नहीं दिए जाते, जैसा कि मॉडल का नाम XMS है। ये फॉग लैंप यहाँ पर नहीं मिलते, लेकिन इंडिकेटर मिल जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं, हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर वाले मिल जाते हैं, DRL भी आपको मिल जाते हैं। जैसा कि मैं आपको जला के दिखा दूँ, तो ये जो DRL आप देख पा रहे होंगे, वो DRL यहाँ पे मिलते हैं। येलो कलर में लाइट मिलती है, इनको आप वाइट कलर की लाइट भी बनवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। तो हमने अभी नहीं करवाया, वो बाद में करवाएँगे। बाकी इसके बाद यहाँ पर जो सामने ये ग्रिल दिख रहे हैं आप, ये ग्रिल हमने मार्केट से लगवाई है, ठीक है। और फ्रंट में कैमरा इंस्टॉल है, जो कि अभी दिखाएंगे। हमने इंस्टॉल मार्केट से करवाया है कैमरा, ठीक है, तो वो बाद में दिखाएंगे। आइए देखते हैं, ये जैसे आप देख पा रहे हैं टायर तो यही थे हमारे, जो ये अलॉय व्हील है, ये जो अलॉय व्हील आप देख पा रहे हैं ना, ये हमने मार्केट से, मतलब कंपनी से ही पैसे दे दिए थे एक्स्ट्रा 40,000, तो ये हमारे लग गए कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक और ग्रिल आपको दिख रही होगी, ये भी हमने मार्केट से लगवाई है। ये ग्रिल हमने मार्केट से लगवाया है क्रोम। ये डोर क्रोम भी हमने मार्केट से लगवाया है, इसमें ये डोर क्रोम मार्केट से लगवाया है, ठीक है। रेन वाइज़र मार्केट से लगवाए हैं, तो मार्केट से मतलब कहना चाहिए कंपनी से ही, टाटा के, वहीं अपने शोरूम में ही हमने जेन्युइन एक्सेसरीज में लगवा लिया था, कहीं बाहर से नहीं। फिर बैक में आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी का लुक, XMS मॉडल में बैक वाइपर नहीं मिलता। पहले तो लाइटिंग आपको यहाँ पे देख सकते हैं मिल जाती है, नीचे यहाँ पे लाइट नहीं मिलती, बस ऑप्शन दिया है लाइटिंग का, और यहाँ पे भी कोई और लाइट नहीं है बीच में। नंबर प्लेट के लिए लाइट लगी है, और नंबर प्लेट जब यहाँ नीचे लाइट लगी है, ये नंबर, यहाँ पे एक कैमरा इंस्टॉल है, ठीक है। 360 कैमरा हमने गाड़ी में इंस्टॉल करवाया। इसके बाद ये एक LED यहाँ पर मिल जाती है ना, तो ये लाइटिंग है। यहाँ पे आपको शार्प फिन एंटीना नहीं मिलता है ना, और ये जो लंबा वाला, ये क्या नाम है इसका, एंटीना मिलता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमने देखा कि ये चीज़ें हैं। सनरूफ इसमें आपको मिल जाता है, साइड से गाड़ी का लुक कुछ यूँ दिखता है ना। और आप देख सकते हैं, चलिए अब अंदर चलते हैं, इसमें गाड़ी के अंदर देखते हैं कुछ चीज़ें। तो ये देखिए, जैसे ये इंस्टॉल ही कैमरा करवाया था हमने 360 एंगल के लिए, 360 पूरा व्यू आता है इस कैमरे के कारण, ठीक है। तो गाड़ी को जल्दी से अनलॉक करते हैं। जैसे हमने अनलॉक किया तो ये ऑटो फोल्डेबल मिरर जो है ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सनरूफ आपको ऊपर मिल जाता है इसमें XMS मॉडल में। और अंदर जैसे हम आते हैं गाड़ी के, तो ये देखिए दोस्तों, शायद पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमारी ये वाली स्क्रीन के बारे में, है ना। और आप देख सकते हैं इंटीरियर किस तरह का है। ये हमने ऑन कर दिया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि इस तरह से दिखता है। टॉप मॉडल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल यहाँ पर मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलते, है ना, जो कि टॉप मॉडल का एक ऑप्शन है। हॉर्न की बात करें तो ये वाले हॉर्न मिलते हैं, पोंपो हॉर्न नहीं मिलते। पोंपो हॉर्न तो किसी में नहीं मिलते हालाँकि, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी है। यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ मिलती है, ये वाले कंट्रोल हट जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे लगा है, नेक्सॉन की बैजिंग टॉप में आती है, जो अगला इसके अगले वाले मॉडल में। वॉल्यूम का बटन, ये ऑप्शन की बटन है, छोटा सा एक म्यूज़िक प्लेयर जो है इसमें लगा रहता है, वो हमने कंपनी से लगवाया है ये प्लेयर मार्केट से। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट मोड भी दिया है, इको मोड है, ड्राइविंग मोड में 3 मोड यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है।
इनको यूँ यूँ राउंड कर सकते हैं आप ऐसे करके। बाकी ये देखिए गियर आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर मिल जाता है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है इसमें, और इसके साथ साथ 170 का टॉर्क ये जनरेट करता है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं 142 की एस अल्टॉस वगैरह में ले रहा था तो उसमें 142 का टॉर्क जनरेट हो रहा था इसी सेम मॉडल इंजन में किया में, लेकिन इसमें आपको 170 का टॉर्क जनरेट होता है, बताओ, ठीक है, तो अच्छा है। बाकी एवरेज की बात करें भाई थोड़ा सा, तो एवरेज में शुरू में इशू आया था, प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब एवरेज कैसे मेरे को बना कंपनी में बताया कि भाई चलाने के लिए आप कुछ ट्रिक्स का यूज़ करो, बहुत अच्छा एवरेज मिलेगा। यानी कि जब आप गाड़ी हाईवे पे चलाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक्सेलेरेटर जो है तेज़ी तेज़ी से नहीं दबाना है, बहुत तेज़ से हल्का सा दबा के रखो, गाड़ी अपने आप भागेगी, 70-60 70-60 70-80 ऐसे भगाओ, मस्त एवरेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उसको भगाओगे खूब तेज़ एक्सेलेरेटर दबा दोगे एकदम से, फिर नीचे फिर ब्रेक मारोगे, तो ऐसे में एवरेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप मत करना। बाकी उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं सनरूफ के कंट्रोल मिल जाते हैं, लाइट आपको यहाँ पे ये वाली मिल जाती है वाइट कलर की, जो कि बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ पेपर्स वगैरह रखने के लिए ऑप्शन मिलता है, और इसमें भी यहाँ पे मिरर मिल जाता है। सनरूफ अगर ओपन करेंगे ये तो ये देखो सनरूफ ओपन हो गया, ये सनरूफ खुल गया, ये एक बार दबाएंगे बटन सनरूफ बंद हो गया, ठीक है। बाकी ये अगर ओपन इसको दबाएंगे तो थोड़ा सनरूफ ओपन हो जाता है हवा आने के लिए, ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमने गाड़ी में दिखाई। बाकी यहाँ पे आपको कुछ पार्सल ट्रे मिल जाती है, कहना चाहिए एक तरह से, सब चखना वगैरह रखने के लिए, कप होल्डर्स हैं, सिगरेट रखने के लिए सब कुछ है, पेन वगैरह रखना है तो वहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शन, ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो इसको हम कर देते हैं बंद। एसी की कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलती है, मैनुअल एसी मिलती है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी एसी है, बहुत अच्छी, यानी कि चिल्ड कर देती है पटाख से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता आपको, एसी बंद करना पड़ेगा, एक नंबर पे भी एसी आप नहीं चला सकते, इतना कूल कर देता है, तो टाटा का एसी तो बहुत ज़बरदस्त है, कहना चाहिए था, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं भाई हर महीने मैं देखता हूँ शोरूम में जाता हूँ तो डेली 5-6 नेक्सॉन उठ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट बनाया है टाटा ने नेक्सॉन का, है ना। बाकी आप देख सकते हैं इसमें स्टेयरिंग का जो है टिल्ट ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये यहाँ से ये इसको नीचे करके स्टेयरिंग को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा ऑप्शन है आपको जितने एडजस्टमेंट चलाना है। यहाँ पे एक बटन मिलती है आपको, इसमें से आप अपने RPM कंट्रोल कर सकते हैं और ऑटो फोल्डेबल मिरर कर सकते हैं, ठीक है। पीछे देखें यहाँ पे सीट जो है अभी कंपनी की सीट ही लगी हुई है ना, ये देखिए अच्छी सीट है बहुत, ये तो भाई ऐसा लगता है कि सोफ़ा है पीछे पूरा, इतनी मस्त सीटें बनी हैं, स्पेसिंग बहुत अच्छी है गाड़ी में, ठीक है। पार्सल ट्री हमने अलग से लगवाई है, लगी नहीं थी इसमें, बाकी आप देख ही सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें मिल पा रही हैं, है ना, डोर चारों पावर विंडो के साथ, एसी का बैक में एसी नहीं मिलता है क्योंकि ये इससे अगले वाले मॉडल मिलता है भाई, इतने मॉडल हैं यार, इस कन्फ्यूज जाओगे कि कौन सा मॉडल है नेक्सॉन का, सोचो 28-29 मॉडल आते हैं इसमें वेरियंट, इतने सारे वेरियंट नेक्सॉन के हैं, है ना। तो बाकी ये ऑलमोस्ट स्क्रीन, अगर आपको देखना है डिटेल तो अगली वीडियो हमारी देख लीजिएगा जिसमें स्क्रीन के बारे में हमने डिटेल में बताया है, है ना, कहाँ से लगवाई कैसे लगवाई, अगली वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार दिखा देते हैं, आवाज़ सुनिएगा एक बार। तो ये थी गाड़ी की आवाज़, ठीक है, अब बताइए आपको ये कैसा लगा, क्या आपको ये पसंद आया, है ना, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में टाटा नेक्सॉन के नए मॉडल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।